कि ये प्यार कैसे होगा, क्या ये हमको क्लियर है, क्या ये पता है? हम कभी कहते हैं कि प्यार हमको चीजों से हो जाता है, तो चीजों से प्यार कैसे हो सकता है? क्या वो चीज हमसे प्यार करती है? आप कहते हो मुझे इस चीज से प्यार है, तो इस चीज को आपसे प्यार नहीं है, आप खुद ही तो क्रिएट कर रहे हो ना अपने माइंड में। तो अब आप क्या क्रिएट करोगे, अब आप कैसा लव क्रिएट करोगे? लव हमेशा वन साइडेड ही होता है, इसको अच्छे से समझ लेना। टू साइडेड लव की इल्यूजन से बाहर आ जाओ, क्योंकि टू साइडेड लव की इस इल्यूजन की वजह से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आपके दिमाग में पता नहीं क्या भर दिया गया है मूवीज से, यहां से वहां से, कि टू साइडेड लव नाम की कोई चीज होती है। कुछ नहीं होती, इट इज ऑलवेज वन साइडेड। और वो वन साइडेड आप उधर से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बात भी समझ आ रही है? क्या आप उसकी साइड कंट्रोल कर सकते हो? खुद की साइड को हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं अगर चाहें तो? पूरा कर सकते हैं 100%, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है। अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? नहीं, व्हाट मेक्स यू हैप्पी इज अ वेरी मतलब आप कह सकते हो बहुत ही एक नैरो अप्रोच है। यही तो सब कर रहे हैं, इसी वजह से तो गड़बड़ हो रही है। इट मेक्स मी हैप्पी, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। व्हाट मेक्स अदर हैप्पी, दिस विल आल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। हाउ विल यू मेक समबडी एल्स हैप्पी? उसका वन साइडेड लव है, इसको पहले अच्छे से समझ लेना जहां तक हम पहुंचे हैं। आपने दो एस्पेक्ट पकड़े, व्हाट मेक्स मी हैप्पी, विल दैट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट और इट विल नॉट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट? इट्स बाउंड टू लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। कितने कॉन्फ्लिक्ट होंगे यहां? अनलिमिटेड। वेस्ट में यही तो हो रहा है, सामने वाले की परवाह नहीं है। आई डू व्हाट मेक्स मी हैप्पी, सामने वाला गया भाड़ में। इसमें क्या होता है, हमें लगता है कि रिलेशन जब खराब हो रहा है तो वो बंदा दुखी हो रहा है, दोनों दुखी हो रहे होते हैं, क्योंकि जुड़े तो हुए ही है। सो यू कांट बी हैप्पी बाय रनिंग फॉर हैप्पीनेस फॉर योरसेल्फ। ये वन साइडेड लव इज बाउंड टू फेल, इट विल लीड टू एंडलेस कंफ्यूजन, बिकॉज वो बंदा भी यही कर रहा है। That person is also doing, जाने अनजाने वो ही कर रहा है what makes her happy. This person is also doing what makes him happy. जो दोनों एक दूसरे से अलग है, जहां पर कुछ कॉमन होगा वहां पर तो दोनों साथ में खुश हो रहे हैं, बाकी सब जगह पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एंड इफ यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ लव एज थियोरेटिकली समझा, इसको प्रैक्टिकली नहीं समझा, आप कहोगे अच्छा हमको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, तो वो ही करो जिसमें सामने वाले को खुशी मिलती है, तो उसको तो किसी भी चीज में खुशी मिल सकती है। टुमारो इफ यू गिव सो मच ऑफ फ्रीडम टू योर हस्बैंड, अगर इसको हम प्यार कहते हैं, तो दैट पर्सन माइट से दैट आई विल ब्रिंग अ प्रोस्टिट्यूट इन आवर होम। बैठे रहो शांति से, फिर बैठ करके आप और दुखी होगे, आपको मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन क्यों हो रही है कि ऐसा ना करेगा, वो जो कर रहा है मैं उसको करने क्यों नहीं दे रही, इसका मतलब क्या मुझे उससे प्यार नहीं है, मैं इतनी बुरी हूं। बात समझ आई? ये आपको फंसाएगा नहीं फंसाएगा? आई विल मेक द अदर पर्सन हैप्पी, एंड इफ दैट थिंग मेक्स यू अनहैप्पी देन व्हाट विल यू डू? ये होता है नहीं होता है? अब क्या करोगे? कॉन्फ्लिक्ट, और ये तो और खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट, ये आपकी जिंदगी झंड हो गई, क्या करोगे ऐसी जिंदगी? व्हाट मेक्स द अदर पर्सन हैप्पी, व्हाट मेक्स योर पेरेंट्स हैप्पी, वो कुछ और ही है, करते रहो मरते दम तक। समझ लेना इसको ध्यान से, जब हम पूरी तरफ से कहीं पर भी जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, फ्रेगमेंटेड नहीं होते हैं, तो क्या हम खुश होते हैं? नहीं होते हैं। कहीं गए हो हॉलिडे पर, वहां पर कुछ देर के लिए बीच बीच में ऐसे मूवमेंट्स आए, आप बैठे हुए हो और आप पूरा पूरा जो भी कुछ दिख रहा है वहां पर, एक सी बीच है, आसमान है, बादल है, ये है वो है, हवा चल रही है, कुछ हो रहा है, वहां पर बैठे हो कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आप एक हो गए हो सबसे, तो उस मूवमेंट में क्या होता है, खुशी होती है नहीं होती है? इसी को प्यार कहते हैं। सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लो, जैसे आप किसी से मिले तो उसकी आंखों में देखा आपने, दैट पर्सन जो आपको चाहता है और आप किसी को चाहते हो और उसकी आंखों में देख रहे हो, वो भी आपको देखना चाहता है, आप भी उसको देखना चाहते हो, उसको क्या होता है, अजीब सी खुशी होती है नहीं होती है? मैं भी उसको चाहता हूं, वो भी मुझे चाहती है, क्या ये प्यार नहीं है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस प्यार में, कि वो कुछ मूवमेंट्स के लिए तो मिलता है हमको, कुछ मूवमेंट्स के लिए हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, बाकी के सारे मूवमेंट्स में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या उस टाइम पे जब हम पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं किसी भी पर्सन के साथ या किसी भी सिचुएशन में, अपने आसपास में, सराउंडिंग्स में, या कहीं पर भी, तो क्या उस वक्त अंदर किसी तरह की कोई लड़ाई चल रही होती है? थॉट्स में कोई लड़ाई होती है? कोई कंफ्यूजन होती है?
कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है? अलग होना मतलब परेशान होना, और जुड़ना मतलब खुश होना। तो ऐसा कैसे हो कि हम इस तरीके से जुड़ जाएं? देख रहे हो कहां हम जा रहे हैं? ऐसा कैसे हो कि अंदर, क्योंकि लव इज ऑलवेज वन साइडेड, टू साइडेड जुड़ने को जिसको आप जुड़ना कह रहे हो वो कुछ देर के लिए तो पॉसिबल है, हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है। इस साइंटिफिक इंक्वायरी को आप देख पा रहे हो, डिस्कवरी हो रही है यहां पर अभी। अगर आप लोगों के अंदर विजन है देखने की, और हम सब मिल करके, अकेला मैं नहीं, हम सब एज साइंटिस्ट कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे। आपको क्या लग रहा है सेशन चल रहा है? सेशन नहीं चल रहा है अंकल। हाँ, एक साइंटिफिक इंक्वायरी चल रही है, हम कहां पहुंच गए ये समझ पा रहे हो? दुनिया में कितने लोग हैं जो यहां तक पहुंच पाए हैं? थ्योरेटिकली जो हम बुक्स पढ़ते हैं ये करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कैसे हो कि हम अंदर से इस तरीके से जुड़े? क्योंकि हम क्लियर देख पा रहे हैं कि जो कॉमन तरीके से जब हम जुड़ते हैं तो कुछ देर के लिए टिकता है, फिर ढह जाता है, फिर आदमी तड़पने लग जाता है। फिर से किसी इंसान से आप जुड़े, वो कब जुड़ते हो? जब कुछ कॉमन हो रहा होता है वहां पर। अगर कॉमन नहीं होता है तो आप तो जुड़ गए, वो नहीं जुड़ा तो गुस्सा आता है वहां पर। मैं तो उसको प्यार कर रहा हूं, वो मुझे क्यों नहीं प्यार कर रही? जैसे हॉलीडे पे है तो दोनों ही खुश है, तो कुछ देर के लिए जुड़ गए। अगर एक का मूड ठीक नहीं है, एक का मूड अच्छा है, उस वक्त जुड़ पाते हैं क्या? नहीं जुड़ पाते हैं, तो उस वक्त लड़ाई हो जाती है। तुम इतना हंस क्यों रहे हो? तुम्हें पता नहीं है मेरे ऑफिस में क्या हुआ है? बात पकड़ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, लेकिन जिस वक्त वो ऐसा कर रही है, वो जो वाइफ है वो ऐसा कर रही है कि तुम्हें पता नहीं है, उस वक्त भी ये जुड़ा पड़ा है, तब भी अलग नहीं हुआ, उसको इस पे भी प्यार आ रहा है, अब नफरत की कहां गुंजाइश है? अब दुख की कहां गुंजाइश है? अब बाहर वाले दिखाने के लिए नहीं, अंदर से आ रहा है। अरे कितनी क्यूट है। अंदर से, लेकिन बाहर से वो चुप हो गया है, बाहर से चुप हो गया, क्योंकि अगर उस समय उसने कुछ भी बोला तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। मन ने बोला ही, उसको मुंह पे नहीं गया, तो कितनी क्यूट है, कहीं मैं गुस्सा आ रहा है, क्यूट हूं, अभी दिखाते तेरे को अपना भद्रकाली रूप। प्रॉब्लम समझ आ रही है? कब प्यार की स्टेट अचीव होती है? जब कुछ कॉमन हुआ है ना, कुछ एक साथ में दोनों एक स्टेट में पहुंच गए तो जुड़ गए, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटों के लिए जुड़े और फिर एकदम से अलग हो गए। या अगर शुरू शुरू में जब पहला प्यार जिसको आप बोलते हो, वहां पर कुछ महीनों के लिए है ना, हाँ एकदम बड़ा अच्छा लग रहा होता है, दोनों ही अपना बेस्ट दिखा रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे को वो दिखा रहे हैं जो सामने वाला देखना चाहता है, अपनी बुरी साइड नहीं दिखा रहे। हाँ, ये बदबू नहीं दिखा रहे, सिर्फ खुशबू दिखा रहे। ऐसे लोग क्या करते हैं जिनको किसी इंसान से प्यार नहीं मिलता है? या तो किसी जानवर से जुड़ते हैं, कुत्ता बिल्ली पाल लेंगे, समझ लेना। इसीलिए फॉरेन में आप देखोगे वहां पे हर घर में कुत्ता बिल्ली मिलेगा आपको, क्यों? क्योंकि यहां पे जुड़ने के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता कि उसका वो जोन कब आएगा कि जब मैं उससे जुड़ पाऊं जाकर। कुत्ता हमेशा जोन में रहता है। आपका मूड खराब भी है तो कुत्ते का मूड खराब नहीं होता है, आपका मूड खराब है, आपने कुत्ते को ऐसे जोर से मारा, किक मारी, मतलब लात मारी, गुस्सा आ गया, गुस्से में थे, जैसे लड़के आए थे, आपने लात मारी और कुत्ता सीधा खिड़की से बाहर, और पार्क में से जाकर उसको उठा लाए, वो फिर आपको प्यार कर रहा है। ऐसा इंसान जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग जीरो है, जिसको समझ ही नहीं है लाइफ की, प्यार की, वो कुत्ते से तो प्यार कर सकता है, इंसान से नहीं कर सकता। इंसान से सिर्फ वो आदमी प्यार कर सकता है और उस प्यार को इमॉर्टल बना सकता है, यानी कि वो ऐसा हो कि वो मिटे ही ना, जो बहुत ज्यादा समझ रखता है। तो इस इल्यूजन से पहले बाहर आ जाओ कि प्यार के लिए समझ नहीं चाहिए, प्यार के लिए इतनी समझ चाहिए जिसकी कोई हद नहीं है। ना समझी में जिसको हम प्यार बोलते हैं वो अट्रैक्शन होता है, जो कुछ दिन के लिए रहता है, उसके बाद में ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं लैला मजनू के, देखने लायक होते हैं, देखने लायक सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो रहे होते हैं। जब ब्रेकअप होता है तब क्या हो रहा होता है? तो अब क्या करो, अब प्यार की गहराई को देखो, एक्चुअल में देखो प्यार क्या। हम अंदर कैसे रियलिटी को देखें, उसके बेस पर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हमारे थॉट्स हो, और वो थॉट्स ऐसे हो जहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जहां पर सिर्फ प्यार ही प्यार, जहां पर सिर्फ सब कुछ जुड़ा पड़ा हो, अलग ना हो, जहां पे आप सेपरेट हो जाते हो तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। मैं और तू, वहीं पर तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, हम में कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा? हम में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हम मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे, अंदर तक आप यू फील, हम मतलब मैं और तू नहीं है वहां,
तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। कहां नहीं हो सकता? बाहर होगा, क्योंकि बॉडी उस बॉडी से अलग है, इसका माइंड उस माइंड से अलग है। तो वहां पर तो सही गलत पे कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। वो सब हो रहा है, बाहर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बाहर जुड़ भी रहे हैं, अलग भी हो रहे हैं। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहां पर अलग भी होना पड़ जाए। बाहर अगर पर्सनालिटीज मैच नहीं करेगी तो अलग भी होना पड़ सकता है ना, लेकिन अंदर से हम हैं तो हम अलग हो रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए नहीं। ये प्यार है जी। हम साथ में हैं तो हमारे लिए, हम अलग हो रहे हैं तो हमारे लिए, हम है वहां पर। अब सब कुछ इंक्लूड हो गया है और हम में मैं और तू दोनों आ गए हैं, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। दिस इज कंप्लीट लव, दिस इज रियल लव। मैं और तू का मतलब समझ पा रहे हो? इसकी डेप्थ देख पा रहे हो? अगर हम एक्चुअल में आप बोल पाओ तो आप ये नहीं बोलोगे कि इसने उसके साथ गलत किया। प्रॉब्लम सिर्फ तब नहीं होती है आपको जब सामने वाला आपके साथ बुरा करता है, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो। प्रॉब्लम तब भी होती है आपको जब आप किसी के साथ में कुछ गलत करते हो। क्या आप गलतियां करते हो या नहीं करते हो? आपने गलती कर दी तो सामने वाले ने तो आपको माफ कर दिया, लेकिन आप अंदर ही अंदर अपनी उस गलती को याद करके अपने ऊपर आपको गुस्सा आता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना किया लेकिन मैंने देखो क्या कर दिया उनके साथ। होता है या नहीं होता है? तो आप जिसको प्यार कह रहे हो उसमें आपने अपने आप को अपने माँ बाप से अलग कर दिया, तो यहां पर दुखी होगे। मैं जिस प्यार की बात कर रहा हूं वहां पर क्या हुआ? चाहे मैं कुछ गलत करूं चाहे तू कुछ गलत करे, चाहे मैं कुछ सही करूं चाहे तू कुछ सही करे, क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ हम में, और इस हम की बाउंड्री को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आपकी समझ गहरी। फिर इस हम में सिर्फ एक या दो लोग या मेरी फैमिली, मेरा ये छोटी सोच नहीं, इस हम में सब कुछ आ गया। ये हम सिर्फ इंडियन तक नहीं रहेगा। मैं इंडियन हूं, तू पाकिस्तानी, यहीं पे तो लड़ाई झगड़े हैं। ये मैं और तू भी तो है, मैं भी इंसान हूं तू भी इंसान है, बताओ क्या है? और ये सच है झूठ है? इंडियन पाकिस्तानी तो माइंड में भर दिया गया है लाइनें खींच खींच करके और आपस में लड़ रहे हैं। वो हमारे अगेंस्ट है, हम उनके अगेंस्ट है। रियलिटी क्या है? कि तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, एक ही प्लैनेट के ऊपर है। अगर हमको सोचना है तो पहले इस प्लैनेट के बारे में सोचना है, बाद में बाउंड्रीज के बारे में सोचना है। ये रियलिटी है। चलो सामने वाला ऐसा नहीं भी सोचता, मैं तो सोच सकता हूं, मुझे कौन रोक रहा है ये सोचने से? बाहर बाहर से हमको लड़ना भी पड़ रहा है एक दूसरे से अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन अंदर से हमको ये सोचने से कौन रोक रहा है कि मैं भी इंसान हूं तू भी इंसान है? इस सच को देखने से कौन रोक रहा है? यहां पर कहां लड़ाई? मैं भी इंसान हूं तू भी इंसान हूं, हिंदू मुसलमान कहां है यहां? मैं भी इंसान हूं तू भी इंसान हूं, अच्छा बुरा कहां है यहां? मेरे में भी कुछ अच्छाई है, तेरे में भी कुछ अच्छाई है, मेरे में भी कुछ बुराई है, तेरे में भी कुछ बुराई है। कहां है यहां पर लड़ाई झगड़ा? कहां है कॉन्फ्लिक्ट? कहां है दुख? अब यहां पर अलग कैसे हो? अलग होना ही दुख है। इसको समझ लेना। बस मैं इसको बोल के कंक्लूड कर रहा हूं, इस सेशन को खत्म कर रहा हूं। तो बड़ी गहरी बात है अगर इसको पकड़ लो। आपको जुड़ना नहीं है इस यूनिवर्स से, दूसरे से जुड़ना नहीं है, एक्चुअल में जुड़े हुए हो। आपको पानी से जुड़ना है या जुड़े ही हुए हो? हवा से जुड़ना है, जुड़े ही हुए हो। अलग होने का कोई तरीका है क्या? अपनी ब्रेथ से अलग होकर के दिखाओ। समझ गए? तो जुड़ना नहीं है इस पूरे यूनिवर्स से। ये कोई कहानियां नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, जैसे दुनिया कहानियां सुनाती है, रियलिटी बता रहा हूं। रियलिटी क्या है? कि हम सब एक दूसरे से और इस पूरे के पूरे यूनिवर्स से जुड़े ही हुए हैं, अलग है ही नहीं। हमको लगता है कि हम एक दूसरे से अलग हैं। जैसे ये लगता है और इसके बेस पर हम अपनी एक दुनिया बनाते हैं यहां पर अंदर, तो उस दुनिया में चारों तरफ लड़ाई झगड़े होते हैं, केओस होते हैं, अंदर भी और बाहर भी। लेकिन जैसे आप इस रियलिटी को एज इट इज देख लेते हो कि रियलिटी क्या है, जुड़े पड़े हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अलग हो ही नहीं सकते। दुनिया का कोई भी रिलीजन, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी इंसान आकर के इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता कि हम सब जुड़े पड़े हैं। ये रियलिटी है, और इस रियलिटी के बेस पर जो आपकी ये जो समझ है ये पक्की हो गई, एक बार ये समझ आपकी गहरी हो गई, तो ये जो यूनिटी है, ये जो स्टेट है, दिस स्टेट ऑफ लव, दिस वननेस, दिस कांट बी टेकन अवे फ्रॉम यू, दिस विल ऑलवेज बी देयर।